नहीं दूसरा कोई दिल में मेरे, इश तू ही हो स्वामी मेरे, नहीं दूसरा कोई दिल में मेरे, इश तू ही हो स्वामी मेरे। आराधना मैं करता जीवन ये नाम तेरे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर का जो वचन है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, हालेलुया, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आप जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं, परमेश्वर आपसे बात करता है, आपके प्रॉब्लम छूट रहे हैं, बहुत सी गवाहियां आ रही है, परमेश्वर को सारा जलाल मिले, सारी महिमा मेरे जिंदा खुदा को मिले। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। चलो आइए हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से कि बहुत आयत से परमेश्वर अपने लोगों को उसकी भरपूरी से भरे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद मेरे जिंदा खुदा। आपका वचन है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे और सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। यहोवा के विषय में कहूंगी कि वह मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगी, क्योंकि वो परमेश्वर ने मुझे पहेली के जाल से और महामारी से बचाया है। वह तू ने प्रभु अपने पंखों की आड़ में हमें ले चला है, तू ही परमेश्वर अपने पंखों से हमें छुपा के रखा है, तेरी सच्चाई ढाल और झिलम हमारे लिए ठहरी है मेरे परमेश्वर। इसलिए रात का भय और दिन दुपरी में जो उड़ता है पान तीर, वो कुछ घात नहीं हमारा कर सकता। वो मरी जो अंधेरे में फैलती है और वो महारोग जो दिन दुपहर में उड़ता है, परमेश्वर तूने उससे हमें सुरक्षित रखा है। हमारे एक हाथ में हजार, दूसरे हाथ में हाथ के यहाँ 10,000 गिरते हैं हम देखते हैं, लेकिन तेरी कृपा तेरी दया हमको संभाले है मेरे जिंदा खुदा। इसलिए करोड़ों करोड़ों बार आपको हम धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं, हम आपकी महिमा गाते हैं मेरे जिंदा खुदा, क्योंकि जो आपसे प्यार करता है उसके साथ परमेश्वर आप हजारों पीढ़ी तक, उसके और उसके आगे की हजारों पीढ़ी तक दया दिखाने वाले परमेश्वर आप है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए अपने लोगों से बातें कीजिए, आइए अपने लोगों को परमेश्वर जो हिल रहे हैं उनको स्थिर कीजिए चट्टान की तरह मेरे परमेश्वर। ओ जो परमेश्वर आपने कहा है, जो बुझ रहा है वो बुझने न देने वाला दिया परमेश्वर, जिसका दिया बुझ रहा है उसका दिया कभी आप बुझने नहीं देते, लेकिन उसको प्रखर ज्योति में परिवर्तन करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट, माय डियर होली स्पिरिट। ओ रबा शांदा रहांदी रे बसांदो रोबो पापा, आपकी प्रशंसा आपकी महिमा करते हुए लोगों से परमेश्वर, जिन लोगों से आपने हमें जोड़ा है उन लोगों को हम आशीषित करते हैं यीशु मसीह के नाम से, सुन और कबूल कर, आमेन आमेन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जो चंगाई, जो छुटकारा, जो प्रोफेसी, जो साइंस वंडर मिरेकल्स है, उसका आज 17वां दिन है, 17th डे है आज, और परमेश्वर हमें लेके चल रहा है।
ना तो बल से ना शक्ति से, लेकिन उसके आत्मा की अगुवाई से हम चल रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि आप सबों के जीवनों में वो चमत्कार कर रहा है, क्योंकि ये सब्जेक्ट परमेश्वर ने मुझे दिया था। और जहां कहीं उसके लोग प्रॉब्लम से भरे हैं और दुख में है, बीमारी में है, परमेश्वर उनको छुड़ाने के लिए आता है। और परमेश्वर उनको छुड़ा कर परमेश्वर की महिमा उनके द्वारा करता है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, इसलिए आनंदित हो जाइए, इसलिए झूमो नाचो गाओ, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि क्या माँ तुम्हें भूल जाएगी? ऐसा कभी नहीं होता कि किसी बच्चे की माँ उसको भूल सकती है, लेकिन बाइबल में लिखा है, हाँ माँ अपने बच्चों को भूल जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें कभी भूलूंगा नहीं, तुम्हें कभी त्यागूंगा नहीं, तुम्हारे हर पल हर वक्त में तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। यही हम जो बाइबल में देखते हैं मेरे प्रियो, आज परिस्थिति कैसी भी रहने दो, लेकिन हर व्यक्ति को परमेश्वर की जरूरत है। हर व्यक्ति चाहता है कि परमेश्वर मेरे जीवन में आए, परमेश्वर मुझे लेके चले, वो तकलीफ से निकाले, वो प्रॉब्लम से निकाले, वो दर्द भरी कराहट से परमेश्वर निकाले, वो आहे जो आप भर रहे हैं उससे परमेश्वर छुड़ाने के लिए आपको आया है मेरे प्रियो। क्योंकि एक माँ अपने बच्चों को कभी रोता हुआ नहीं देख सकती, एक बाप अपने बेटे को कभी बीमारी में दर्द में आप देख सकते हैं अपने बेटे को बेटी को कि वो दर्द में अच्छे लगते हैं आपको? अगर दुनिया का पिता उसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन तो स्वर्गीय पिता को कैसे लगेगा मेरे प्रियो? इसलिए परमेश्वर का इच्छा है कि वो यीशु इसलिए आया कि वो भरपूरी का जीवन आप में लाए। हालेलुया। बहुत से परमेश्वर के जो वचन है वो सुनने में ऐसे लगता है कि सिचुएशन में ये चेंज नहीं हो जाएगी, लेकिन प्रभु जो बोलता है वो करने वाला मेरा जिंदा खुदा है मेरे प्रियो। हम देखेंगे कि जो दूसरा राजा है, दूसरी राजा की किताब से मेरे प्रियो, क्योंकि शमरोन में तो भारी अकाल पड़ा था मेरे प्रियो, और जब वो अकाल पड़ा और जब वो अमोरी राजा ने शमरोन को घेरा, आराम के राजा ने शमरोन को जब घेरा, परमेश्वर के लोगों जिधर रहते थे चारों ओर से उनको घेरा, वो बाहर नहीं जा सकते अंदर ही, और बहुत बड़ा अकाल पड़ा जब एलिशा जब था तब। और परमेश्वर ने कहा मेरे प्रियो, राजा तो इतना दुख दर्द उसने देखा कि दो औरत उसके पास आई और राजा से कहने लगी कि सुन राजा, हम दोनों के बच्चे थे, ये औरत ने बोला था मुझे, हमने ऐसा करार किया था, हमने ऐसा ठाना था, हमारे में ऐसी बातचीत हो गई थी कि आज तेरा बच्चा खाएंगे और कल मेरा बच्चा खाएंगे, मेरा बच्चा तो हम उन्होंने कल खा पहली रात को खाया है, लेकिन आज इसके बच्चे की बारी आई तो उसने छुपा के रखा है। और ये राजा सुन के वो इतना दर्द से भर गया, वो बोला कि कितना बड़ा अकाल आया है। और तभी मेरे प्रियो, जो अकाल बड़ा था तब शमरोन में बड़ा, जो मैं बोल रही हूँ छठवां अध्याय और 25 वर्ड से आगे, तब शमरोन में बड़ा अकाल पड़ा और वह ऐसा घिरा रहा कि अंत में एक गधे का सिर, चांदी के 80 टुकड़े और कब की चौथाई भर कबूतर की पीठ 5 टुकड़े चांदी में बिकने लगी। इतना भारी अकाल वो था कि लोगों को खाने के लिए कुछ
कुछ नहीं था, लोग तरस रहे थे मेरे प्रियो। और मेरे प्रियो, जब ऐसा हो गया तो राजा ने क्या किया, राजा ने बोला कि एलिशा किधर है, एलिशा जिधर है उसको पकड़ो, क्योंकि परमेश्वर की ओर से ये अकाल आया है और उसी की ओर से। लेकिन प्रियो, उसने कहा कि जिधर किधर तुमको एलिशा मिलेगा उसको मारो वगैरह। तो जब एलिशा ऐसा नबी था मेरे प्रियो, कि कोई भी उसके बेडरूम में कुछ बोलता था तो परमेश्वर का एक आत्मा लेके चलने वाला नबी, और उसको पता चलता था कि उसके विरोध में कौन बातें कर रहा है। तब भी जब राजा का सैनिक आया, वो पुर्नियों के साथ एलिशा बैठा था, उसने बोला कि मेरा घात करने वाला आ गया है। हालेलुया, ओ मेरे प्रियो। लेकिन विपत्ति जब उसने सुना ये, तो कि एलिशा के पास जब वो सेनापति आया, सातवें अध्याय में लिखा है, तब एलिशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो, यहोवा ये कहता है कि कल इसी समय शमरोन के फाटक में सा भर मैदा एक शकेल और 200 कि एक शकेल में बिकेगा। उसने भविष्यवाणी कर दी, उसने कहा कि आज इतना भारी, आप सोचिए, आप इमेजिन कीजिए कि इतना बड़ा अकाल है, उसमें लोग अपने बच्चों तक को खा रही है, औरतें खाने को कुछ नहीं है, और जब परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठने वाले लोग उसकी उपस्थिति में भरकर, जो परमेश्वर का आत्मा उनसे कहता है वो बोलते हैं, तब आपको लगेगा कि ये असंभव है। आपका आज का सिचुएशन, आपके जीवन का कितना भी भयानक रहने दो, ऐसे ही अकाल से आप अगर गुजर रहे हैं, ऐसे ही बीमारी से भी आप गुजर रहे हैं, ऐसी परिस्थिति आपको दिख रही है कि आगे कुछ नहीं है मेरे, आगे और चारों ओर आपके अंधेरा ही अंधेरा है, और आपको लगेगा कि ये अंधेरा ये कोरोना खत्म होने के बाद भी बना रहेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन है मेरे प्रियो, ये अकाल आपको मारेगा नहीं, ये प्रॉब्लम आपको मारेंगे नहीं, लेकिन आपके लिए परमेश्वर एक अच्छा योजना करेगा। उसके नबियों के द्वारा वो आपसे बात करेगा, वो नबियों के द्वारा, भविष्य वक्ताओं के द्वारा, और भविष्य वक्तिन जो परमेश्वर का अनॉइंटिंग आत्मा से चलती है, परमेश्वर के अगुओं के द्वारा वो आपसे बात करेगा। हालेलुया, और परमेश्वर जो वचन बोलता है वो सही करने वाला वो खुदा है। उसको पता है मेरे प्रियो, टोटल सिचुएशन कब कैसे बदलनी है। हालेलुया, क्योंकि वो सृष्टि का रचयिता परमेश्वर है। इतनी बड़ी सृष्टि उसने शब्दों के द्वारा, यीशु और पवित्र आत्मा और पिता जब कार्य में लग जाते हैं तो असंभव चीजें संभव होती है। ओ मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने कहा कि पृथ्वी अलग हो जाए, पृथ्वी पर जमीन दिखे, पानी अलग हो जाए, तब ऐसा हो गया कि वो पृथ्वी, वो जमीन वही थी लेकिन वो दिखाई नहीं देती थी, परमेश्वर के वचन के द्वारा वो दिखाई दी। पानी अलग हो गया, और जब पानी अलग हो गया तो नीचे वो जमीन थी मेरे प्रियो। हालेलुया, परमेश्वर आपके जीवन में असंभव को आज संभव करेगा। हालेलुया, और बाइबल में लिखा है कि जैसे वो नबी ने प्रोफेसी की, जैसे वो नबी ने भविष्यवाणी की, तो जो राजा को तकिया, राजा जिसके पास ऐसे तकिया देकर बैठा था, वो आदमी ने, वो सेनापति ने ऐसा बोला कि तब उस सरदार ने उसके हाथ पर, जो राजा तकिया करता था, परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुनो,
आप कितने भी बड़े अधिकारी रहने दो, आप कितने भी बड़े टैलेंटेड रहने दो, आपका अनुभव कितना भी बड़ा रहने दो, आप कहेंगे कि सिस्टर मेरे बाल जो ये सफेद हो गए हैं, आपके जो बाल सफेद हो गए हैं वो धूप से वो ऐसे ही एक दिन में नहीं हुए, बहुत सा अनुभव मुझे है, बहुत से अनुभव से मैं गुजरा हूँ, ओ बहुत से बारिशें, बहुत से चीजें दिन रात साल मैंने देखे हैं, एक दिन में चीज ऐसे चेंज नहीं होती, ऐसा टोटल ट्रांसफॉर्मेशन एक दिन में, एक वक्त में, एक घंटे में नहीं होता, लेकिन मैं आपसे परमेश्वर की आत्मा के द्वारा कहती हूँ ये हो सकता है, हो गया है। बाइबल में कितने तो ऐसे टेस्टमनिया है, गवाहिया है पौलुस को चेंज करने के लिए, सिर्फ परमेश्वर को एक क्षण लगा मेरे प्रियो, जब वो चला ही जा रहा था घोड़े पे सवार होके, जो परमेश्वर यीशु का नाम लेते हैं, यीशु पर विश्वास करते हैं, यीशु के चेले हैं, उनको मारने के लिए, क्या स्त्री क्या पुरुष मारने के लिए, लेकिन तब भी वो रास्ते में परमेश्वर उसको दिखाई दिया, और जिस क्षण उसने परमेश्वर को देखा, उसका बड़ा प्रकाश देखा, वो बड़ा उजियाला देखा, उसका वो जो उसने देखा कि कितने तो दिन दोपहर मैंने देखी है, लेकिन ये जो प्रकाश है वो दिन में भी बहुत सामर्थ्य से प्रकाशता है, उसकी आंखों की रोशनी वो झेल नहीं पाई, वो टोटली अंधा हो गया, और वो घोड़े से नीचे हीरा, उसने बोला कि तू कौन है, मुझे क्यों सताता है, यीशु ने की आवाज, उसने बोला कौन है प्रभु, मैं तुझे को तू कौन है कि मैंने तुझे सताया है, उसने बोला मेरा ये मैं यीशु हूँ, और जिनको तू सताता है उनको सताना यानी मुझे सताने जैसा है, टोटल ट्रांसफॉर्म हो गया, पहले उसको लगता था कि मैं जो कहता हूँ सही है, लेकिन आज की रात आपके जीवन में टोटल ट्रांसफॉर्म होने की रात है, पूरा जीवन परिवर्तन होने का ये समय है मेरे प्रियो, आनंद कीजिए क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में आएगा, वो असहाय यीशु नहीं है जो हम क्रूस पर देखते हैं, वो असहाय यीशु, वो कपड़े निकाला हुआ यीशु नहीं है, वो सारा दर्द भरा, सारे जो जख्म है, जो लहू है वो बह रहा है, वो यीशु आपसे नहीं मिलने आएगा, लेकिन आज की रात जो यीशु आपसे मिलने आएगा वो सामर्थ्यशाली यीशु मिलने आएगा, वो राजाओं का राजा बनके सिंहासन पर स्वर्ग में विराजमान है, वो यीशु आपको मिलने आएगा, वो एक हाथ में सामर्थ लिए फिरता है, दूसरे हाथ में उसका पराक्रम का हाथ है, एक हाथ में चंगाई आ है, एक हाथ में टोटल एक्शन में परिवर्तन हो जाएगा, ऐसा सामर्थ मेरे यीशु का है। आपकी सिचुएशन कितनी भी भयानक रहने दो, आपका अनुभव कितना भी बड़ा रहने दो, आपका एक्सपीरियंस आपके प्रॉब्लम का, बीमारी का कितने भी सालों का रहने दो, लेकिन आज का ये वक्त है टोटल परमेश्वर आपको जो बोल रहे हैं, उस बीमारी से, उस तकलीफ से, उस परेशानी से, उस गरीबी से, उस निंदा से, पूरी तरह आज का रात लो लास्ट का रात है, ये अंधेरा आज की रात का आपके जीवन में नहीं रहेगा मेरे प्रियो, लेकिन ये जीवन आपका ये उजियाले में परिवर्तन हो जाएगा। हालेलुया, नबियों पर विश्वास करो, बाइबल ने बोला है कि मेरे नबियों पर विश्वास करो कि वो मेरे मुख है क्योंकि वो मेरे, हालेलुया, और परमेश्वर का मैं सुसमाचार सुनाने के लिए आपको आई हूँ यहाँ, प्रेज द लॉर्ड। तब वो सेनापति के वो आदमी ने कहा कि सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखों को भी खोले, हालेलुया, तो भी क्या ऐसी बात हो सकती है,
आप परमेश्वर पे डाउट मत कीजिए, प्रभु को मत सिखाइए कि प्रभु यह संभव है। प्रभु आपको बताएगा कि असंभव को संभव करने वाला मैं तेरे साथ हूँ। वो तेरे साथ है मेरे बेटे, वो तेरे साथ है मेरी बेटी। जो तुझको असंभव असंभव लगता है, परमेश्वर बोलता है ये तो इजी से संभव है, ये तो मैं ऐसे कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तब मेरे प्रियो वो व्यक्ति बोला कि सारे स्वर्ग के झरोखे खोल दिए जाए, सारे स्वर्ग के दरवाजे खोल दो, खिड़कियां खोल दो, अक्का पूरा स्वर्ग खुला कर दो। लेकिन ये असंभव है कि इतनी सस्ती चीजें मिलेगी, मैदा इतनी सस्ती मिलेगा, जौ इतनी सस्ती मिलेगा। ओ उसने बोला, और परमेश्वर का आदमी उससे बोला, मेरा एलिशा नबी उससे बोला, उसने कहा सुन, तू अपनी आंखों से देखेगा, आंखों से देखेगा, परंतु उस अन्न में से कुछ न खाएगा। डाउट जब आप परमेश्वर पे करते हैं, तब परमेश्वर को बहुत बहुत दर्द होता है, क्योंकि मेरे प्रियो प्रभु का आत्मा भी कहता है, प्रभु की इच्छा थी कि सारे शमरोन के लोग, वो गरीब रहने दो, अमीर रहने दो, स्त्री रहने दो, पुरुष रहने दो, बच्चा रहने दो, बड़ी उम्र का रहने दो, और कौन सी भी जाति का रहने दो, लेकिन सारे शमरोन के लोग खाना खाए, वो तृप्त हो जाए, वो जिए वो ना कि मरे, ये प्रभु की इच्छा थी। लेकिन जो लोग बोलते हैं मेरा एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस एक्सट्रीम एक्सपीरियंस, आपका एक खुद का एक्सपीरियंस जो जो वो डाल दीजिए, फेंक दीजिए, उसको भस्म होने दीजिए मेरे प्रियो। हालेलुया, क्योंकि एक्सपीरियंस से नहीं, लेकिन मैं प्रभु की आत्मा से चलने वाली स्त्री हूँ। हालेलुया, प्रभु जो बोलता है वो करने के लिए सदा वो खड़ा रहता है। इसलिए ये नबी भी बोला आई लव दिस वर्ड, ओ क्योंकि प्रभु की योजना तो सबको आशीष देने की है। आप सुनिए कि एक बारिश तो जब आती है वो पापी पर गिरती है, अच्छे व्यक्ति पर गिरती है, सबों के खेतों पर वो गिरती है, सबों के शरीरों पर वो गिरती है, लेकिन कोई आदमी ऐसे है मेरे प्रियो, कोई औरत ऐसी है, एक ही छोटी सी बाल्टी बकेट लेके वो बारिश में खड़े होते हैं और वो बोलते हैं कि इतना ही भर दो। लेकिन जो लोग बड़े बड़े बर्तन ला के रखते हैं, उनके सारे बर्तन भर दिए जाएंगे। आपका प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम परमेश्वर का नहीं है। आप छोटा छोटा इमेजिनेशन करते हैं, आप छोटी छोटी चीजें देखते हैं, एक बहुत बड़ा बारिश हो रहा है, बहुत बड़ा पानी आपको चाहिए, अकाल है तो पानी बहुत चाहिए। पानी के लिए कुछ लोग एक छोटी कटोरी लेके आते हैं और बोलते इतना ही पीने के लिए आज के दिन बस है। लेकिन कौन कोई कोई वॉइस मैन है, वो बोलते हैं अपने कुएं खुले करते हैं, बड़े बड़े टंकियां लेके आते हैं, बड़े बड़े टैंक को खुले करते हैं और वो टैंकों को भरते हैं। हालेलुया, आप जितना खुद को बढ़ाएंगे, आप जितना खुद का दिल बड़ा करेंगे, उतना परमेश्वर आपको बढ़ाता जाएगा मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर आपके इमेजिनेशन से हजारों करोड़ों गुना ज्यादा काम वो करता है। हालेलुया, एक स्त्री को मैंने देखा, एक स्त्री का एक वचन है बाइबल में से, एक कहानी में आपको बताती हूँ। एक जब एलिशा नबी था, तब उसके पास एक स्त्री आई और उसने बोला कि तेरे हाथ के नीचे जो मेरा पति जो भविष्य वक्ता था वो मर गया है, और मेरे दो बेटे हैं, लेकिन साहूकार जो है वो मेरे बेटे को ले, दोनों बेटे को लेके जाके गुलाम बनाएगा, क्योंकि कुछ पैसा उनको देने का है, मेरे पास पैसा नहीं है, वो मेरे बच्चों को गुलाम करने के लिए लेके जा रहे हैं।
तब एलिशा ने बोला कि क्या है तेरे पास। सुनो, बहुत से लोग प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत से लोग चाहते हैं कि हमको पैसे मिले। कोई कोई लोग बोलते हैं ऊपर से बारिश हो जाए, नोटों की बारिश हो जाए, मैं बिलीव करूंगा। लेकिन मेरे प्रियो, जब आप एक तब वो स्त्री को अलीशा बोला कि तेरे पास क्या है, उसने कहा कि कुछ थोड़ा सा एक टंकी भर के, वो जो छोटा सा जार रहता है, उतना ही मेरे पास तेल है, ऑयल है, उसके सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। उसने कहा कि जाके सारे जो खाली बर्तन है अपने पड़ोसियों से मांग लाओ और अपने घर में इकट्ठा करो वो बर्तनों को। ये वो घर में इकट्ठा करने से मेरे प्रियो, उसने कहा कि उसके बच्चों को भेजा और सारे बर्तन इधर से उधर से उन्होंने मांग के ले आए। अगर परमेश्वर के नबियों पर, भबर सच्चे भविष्यवक्ताओं पर आप विश्वास करोगे तो आपका जीवन उनका एक सजेशन, ओ आप शाप से निकलकर आशीर्वाद में दौड़ोगे, आशीषों में दौड़ोगे। लेकिन जब आप उनका नहीं सुनते हो तो वही कारण आपके शाप का, आपके प्रॉब्लम का, आपके दर्द का, आपके तकलीफ का होता है। मेरे आज्ञाकारी रहो, जो परमेश्वर की आत्मा से बोलता है वो आगे की 60 सालों के आगे की वो देखता है, 20 साल आगे की वो सोचता है। लेकिन कुछ कुछ लोग रहते हैं कि आज के दिन की, एक महीने की भी नहीं सोचते, आज जो सिचुएशन है बस वो। लेकिन परमेश्वर की आत्मा से चलने वाले को प्रभु बहुत सालों का दिखाता है। तब वो स्त्री ने सुना मेरे प्रियो, वो नबी का सुना और उसने क्या किया कि वो लोगों को मांगना भी कुछ चीजें गलत लगता होगा। कुछ लोग बोलते नहीं, नबी जी, नबी साहब, एलिशा साहब, मुझे पता है कि आप जरूर कह रहे। कोई लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं, कोई लोग उनको सजेशन, उनको ही सजेशन देते हैं जो आत्मा के अगुवाई से चलते हैं। उनको उसने बोला हो रहेगा रहता कि हाँ नबी जी, एलिशा नबी, मैं आपका स्वामी सुनती हूँ, लेकिन मुझे बहुत लज्जा आता है लोगों के पास बर्तन मांगने का। लोग मुझे देंगे या नहीं देंगे, किसी ने दरवाजा बंद किया तो कैसा हो जाएगा, कोई मुझे कुछ नहीं दिया तो मेरा कितना, मेरी निंदा हो जाएगी, मेरा मुंह काला हो जाएगा। ऐसा उस औरत ने कुछ नहीं कहा मेरे प्रियो, एज इट इज उसने वो बिलीव किया, उसने उस पर विश्वास किया। उसने कहा कि अगर ये नबी प्रॉफिट मुझे कुछ कह रहा है तो मैं इसकी सुनूंगी। उसके बच्चों को बोली कि जाके लेके आओ सारे बर्तन खाली इकट्ठा किए। और नबी ने उससे बाद में कहा उसने, उस नबी ने बोला कि अभी क्या करो, तेरे पास जो छोटा सा ऑयल का जो छोटा जार है उसमें से वो ऑयल हर एक बर्तन में डालती जाओ। और उसने वही किया, वो इतना बड़ा छोटा बर्तन आया उसमें वो डाली। उसने देखा, अरे वाओ, व्हाट अ मिरेकल, ओ ऑयल बट रहा है, ऑयल घट नहीं रहा है। उसने कहा कि तू बड़े बड़े बर्तन लाना, बर्तन कम मत लाना, ज्यादा लाना। हालेलुया। और मेरे प्रियो, बड़े बर्तनों में डाला, फिर भी वो ऑयल बढ़ता गया। आपको मैं एक ही बताती हूँ, मिरेकल्स कब होते हैं, जो परमेश्वर का आवाज आप सुनते हैं और उस पे एक्ट करते हैं, उस पे एक्शन करते हैं, तब भी वो मिरेकल्स होने लगते हैं, मनी मिरेकल्स होने लगते हैं, ओ अमेरिके मिरेकल्स होने लगते हैं। ओ परमेश्वर आपको पैसों में बरकत दे देगा, गोल्ड मिरेकल हो जाएंगे, लैंड मिरेकल हो जाएंगे, आपको परमेश्वर एक स्थान से दूसरी स्तर पर लेके जाएगा। वो परमेश्वर आपको
फोकस कर, जो फोकस प्रभु पर आपने किया है उसके वचन पर एक्ट करने के लिए, एक्शन करने के लिए, चलने के लिए, वो आपके का ब्लेसिंग का सबसे बड़ा कारण है। एलिशा ने वो तेल ऑयल हर बर्तनों में नहीं डाला, उस औरत ने वो बर्तनों में डाला, और वो आवाज है मेरे प्रियो, उस पे एक्ट करना बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। और वो बढ़ता गया, सारे घर में मिरेकल्स हो रहे थे। वो औरत कितने आनंद से डालती होगी, वो ऑयल डालती होगी, वो प्रभु का धन्यवाद करती होगी। बड़े बर्तनों में किया, उसका एक ही, आप बाइबल पढ़ो उधर लिखा है, वो इतनी मग्न थी वो ऑयल से बर्तन भरने के लिए। वो भर रही थी, भर रही थी, बच्चों को बोल रही थी, वो भरती थी, उसके बच्चों उसको उनको उठाकर अलग से रख देते थे, उसके आगे लेके आते थे। वो उसने बोला कि काम करते वक्त वो ऑयल बढ़ते, वो कितना आनंदित थी कि उसने कहा और बर्तन लाओ, और बर्तन लाओ। उसके बेटों ने कहा कि बर्तन अब खत्म हो गए हैं। ओ जब उसने कहा कि खत्म हो गए हैं, तब ऑयल बढ़ना रुक गया। समझते हैं आप? जब आप बोलेंगे कि बस, तब आशीषें बस हो जाएंगी। आप बोलेंगे कि और चाहिए, और चाहिए, लेकिन किसके लिए चाहिए? प्रभु के राज्य के लिए भी मांगो, परमेश्वर के राज्य के लिए, देने के लिए मांगो, आपके ब्लेसिंग्स कभी खत्म नहीं होंगे। फिर एलिशा ने कहा, मेरे प्रियो, कि जा, ये ऑयल को बेच, ये तेल को बेच डाल, और सारा जो खर्चा है वो चुका, और जो ऑयल बचता है ना, तेरे जीवन की जो सारी चीजें, जरूरतें जो है तेरे जीवन की, तेरे बच्चों की, वो पूरी करने में उसका यूज कर। परमेश्वर आपको एक चीज दिखाएगा कि आपके बिजनेस भी आप करना चाहते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलो, पवित्र आत्मा के भविष्य वक्ता के शब्दों पर विश्वास करो। अगर बहुत से लोग मुझे बोल रहे हैं मेरे बिजनेस के लिए प्रार्थना कीजिए, मेरे जॉब के लिए प्रार्थना कीजिए, मेरा बिजनेस बढ़ना चाहिए, लेकिन उसके प्रॉफिट के, प्रॉफिटेस के नजदीक आकर बोलिए कि कैसा से कैसी प्रार्थना करनी चाहिए। आपका विजन बढ़ाओ, आपका विजन बढ़ाओ, चारों ओर से बढ़ाओ, जितना बढ़ाते जाओगे प्रभु आपको भरता जाएगा मेरे प्रियो। और ये मिरेकल्स उसने प्रॉफिट की आवाज सुनकर एक्ट करने से हुआ। हालेलुया, वो कितनी आनंदित होती होगी। वो परमेश्वर के दास के, भविष्य वक्ता के वो बैठे थे, वो कितने प्रभु की स्तुति करते होंगे, यहोवा की स्तुति करते होंगे कि प्रभु तू भला है, हमारा स्वर्गीय डैडी तू बना है, हमारा बाप भी हमें छोड़ के चला गया, लेकिन आपने हमें गुलाम होने से बचाया है, परमेश्वर आपने हमें आजाद किया है। परमेश्वर चाहता है कि किसी की गुलाम गिरी आप ना करें, आप अपने परमेश्वर के ही दास बने रहे, परमेश्वर के ही बेटे और बेटियां बने रहे, परमेश्वर आपको आजाद करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये चमत्कार की सेवकाई जो है श्री परमेश्वर की आत्मा के द्वारा पूरी होती है, परमेश्वर के वचनों के द्वारा पूरी होती है। हालेलुया। और वही जो प्रॉफिट का आवाज सुना, नामान जो घोड़ी था उसने 7 बार 6 बार डुबकी लगाई पानी में, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, अरे कुछ नहीं हुआ, लेकिन प्रभु का प्रॉफिट बोला था 7 बार। जब 7वीं बार नीचे गया, फिर से ऊपर आया, तो पूरा चमत्कार ही चमत्कार उसके शरीर में था, बहुत बड़ी चंगाई को उसने रिसीव किया। जब मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं बोलती हूँ कि चेक कीजिए आप, हाँ मैं स्वीकारता हूँ, मुझे गले में ऐसा दर्द नहीं हो रहा है, थैंक यू जीसस, ऐसा मत कहिए, आप कुछ लिए, आप खुद ही है जो नहीं कर सकते,
वो देखिए, हिलाइए अपना शरीर और विश्वास के साथ एक्ट कीजिए, प्रभु चमत्कार करता है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत से लोग बोलते हैं कि जो करेंसी है, आप बोलते हैं कि कोई लोग अभी कैश रखते हैं, लेकिन आपके बैंक में अगर कुछ अमाउंट है, आप कार्ड भी आपका यूज करते हैं, आपको पता चला कि आपके कार्ड जो है आपके बैंक में 1,00,000 रुपए है और वो आपके पास 1 रुपए भी नहीं है, लेकिन जब होटल में जाएंगे आप तो आप अच्छी चीजें मंगवाएंगे, जब शॉपिंग को जाएंगे तो अच्छी शॉपिंग करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये कार्ड जो है मेरे पास उसमें पैसा है। हालेलुया, आपका अकाउंट जो है मेरे प्रियो, उसमें जो बहुत पैसा है वो परमेश्वर का है, वो कभी खत्म नहीं होता, उसके वचन को लेके चलिए और मेरे प्रियो आप डरोगे नहीं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको बिजनेस के लिए एक राह दिखाएगा, एक परमेश्वर आपके अंदर एक विचार डालेगा, परमेश्वर के अभिषेक से वो आप सलाम मसलत कीजिए और परमेश्वर आपको बढ़ाते रहेगा। हालेलुया, और ये बहुत बड़ा मिराकल्स आप देखोगे। आओ मेरे प्रियो, जब परमेश्वर के दास ने बोला कल ही इसी समय सब कुछ सस्ता हो जाएगा, लेकिन आप इमेजिनेशन कीजिए कि ये आंखों के लिए, ये ब्रेन के लिए, ये सारे शरीर के लिए, ये दिल के लिए, ये विश्वास करना असंभव है, ये भरोसा आशा रखना असंभव है, लेकिन मेरे प्रियो हम किसी ऐरे घेरे पर विश्वास नहीं करते, हम तो जिंदा खुदा पर भरोसा रखते हैं, हम किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति नहीं है आपको कह के वो पलटी मारे। मेरे परमेश्वर का स्वभाव है कि वो आज कल युगानुयुग एक सा रहने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर विश्वासु परमेश्वर है। आप कितने भी अविश्वासु रहने दो, लेकिन वो विश्वासु परमेश्वर है। आप कितनी बार भी गिरे रहो, लेकिन परमेश्वर आपको फिर से उठाएगा। 7 बार अगर धार्मिक गिर जाए तो 7 बार परमेश्वर उसको उठाएगा। हालेलुया, आपने 70 बार गलती की है, लेकिन 700 बार उसको क्षमा मांगेंगे, फिर से वो दया करेगा, फिर से वो दया करेगा। वो दया का सागर मेरा यीशु है मेरे प्रियो। और जब मेरे प्रियो अगले दिन ऐसा हो गया, जो लोगों ने तुच्छ माना था, जो लोगों ने खराब, जिनको गांव से निकाला था, तो ऐसे 4 कोड़ी जो थे गांव के बाहर थे, तो उनको पता चला कि वो कोड़ी बोले कि अरे बाबा क्या करेंगे, इधर रहेंगे तो भी मरेंगे, उधर रहेंगे तो भी मरेंगे, यहाँ गांव में तो हमको कोई लेता नहीं, हम क्या करेंगे, आराम के यहाँ ही जाएंगे। हालेलुया, इधर भी मरना है भूखे, वो मार डालेंगे तो उधर भी मरना है। कोई बोलता है ना, हमारे मराठी में जो ऐसे बोलते हैं कि इकड़ा आड़ आणि तिकड़ भीर, इधर भी गए तो भी मरेंगे, उधर भी गए तो भी मरेंगे, इधर कुआ है इधर भी मरेंगे, और इधर भी जो जाएंगे तो इधर बड़ी खाई है, इधर भी मरेंगे। अच्छा है जाके इधर भी मरना है, उधर भी मरना है, तो किधर तो जाके मरो बाबा करके वो 4 लोगों ने सोचा। आपका भी सिचुएशन ऐसा ही है, आप दर्द में है, बीमारी में है, गरीबी में है, आपका बिजनेस लॉस हो गया है, आपने बोला है कि सिचुएशन तो अभी साल खत्म नहीं होगी, लेकिन ये साल के शुरू में मैंने भविष्यवाणी दे परमेश्वर की आत्मा के द्वारा की थी कि सिचुएशन चारों ओर आप मौत देखोगे, आप बोलेंगे कि इसमें से जीवन नहीं आएगा, लेकिन परमेश्वर आपको सैन्य करके खड़ा करेगा और आपको इस साल में बढ़ाते जाएगा, आपकी बढ़ोतरी कोई रोकेगा नहीं, आपकी बुलाहट आगे बढ़ते रहे
रहेगी, आप फूलेंगे फलेंगे ये 2020 में। और जिन्होंने सुना मेरे प्रियो, जिन्होंने इस पर विश्वास किया, उनकी इतनी टेस्टमनियां है कि मार्च से लेकर अब तक सबसे ज्यादा परमेश्वर ने उनको ब्लेसिंग्स किया है। मेरे चर्च के लोग आशीषित हो गए हैं, कोई भी मरा नहीं। किसी को भी कोरोना हो जाने दो, लेकिन ओ कोरोना जो है मेरे प्रियो, उसने भी सोचा होगा काइको में लिविंग वाटर चर्च के यहाँ गया, मुझे लोगों ने इतना मारा। वो सोचता होगा कोरोना भी कि किसी विश्वासु के पास जान जाऊं क्या न जाऊं। मेरे प्रियो, हमारे पास अधिकार है, अथॉरिटी है, उसको कैसे भगाना है, उसको कैसे निकालना है हमें पता चलना चाहिए। हालेलुया। और गरीब स्त्रियों ने, एक तो मेरे बहन की गवाही में देती हूँ कि उसने क्या किया मेरे प्रियो, जैसा ही लॉकडाउन उसको पता चला उसका काम बंद हो गया, लेकिन प्रभु ने दृष्टांत में उसको बताया कि तू परमेश्वर के राज्य के लिए वो एक पास्टर की सीढ़ी, जो सेकंड सीढ़ी निकालने वाले हैं उसके लिए तू अमाउंट दे दो। एक छोटे घर में, एक सिंगल रूम में रहने वाले वो बहन है मेरे प्रियो, दोनों भी काम को नहीं है, लेकिन उसने बोला हाँ परमेश्वर, अगर आप मुझे कहते हैं देने के लिए, आपके आपने तो मुझे जिंदा रखा है तो मैं ये भोगूंगी। हर महीने वो 10-10 हजार, कभी नहीं मिले तो 5 हजार, ऐसे 50 हजार लॉकडाउन में सीढ़ी के लिए उसने दिया है। एक गरीब औरत, एक साधारण औरत, लेकिन परमेश्वर की आवाज उसने सुना, उसको उसने ऐसा ही एक्ट किया। और उसकी टेस्टमनी है मेरे प्रियो, वो बोली कि मेरे घर का राशन खत्म नहीं हो गया, मेरे घर में 15 लीटर का ऑयल का डिब्बा है, सारा घर आशीषों से भरा है, मेरी जो बॉस है वो मुझे राशन भर के देती है, वो मुझे पेमेंट भी देती है, मेरे पति को भी देती है, और मेरे प्रियो उसको किसी तरह से परमेश्वर पैसे देता गया, लेकिन प्रभु के राज्य में उसने खाया, खुद ही नहीं खाया, खुद ही मजे नहीं मारे, लेकिन वो एक उसने एक सुसमाचार दिया मेरे प्रियो, बहुत से लोगों के लिए गवाही दे दी कि उसका उसके लिए 50 हजार परमेश्वर के राज्य में बोना, यानी 5 लाख बोने से भी ज्यादा है। ऐसी गरीब औरत ने प्रभु की आवाज सुन के जो चली मेरे प्रियो, प्रभु ने उसको अच्छी हेल्थ दे दी, कुछ बीमारी नहीं, उसके बच्चे आशीषित है, उसका पति आशीषित है, और वो बोलती है कि मुझे किसी चीजों की घटी नहीं है, मुझे ऐसा लगा भी नहीं कि मेरे जिंदगी का ये साल अच्छा, सबसे अच्छा वक्त बीत गया। ये जो पूरा मई महीना था, अप्रैल मार्च में था, मेरे जिंदगी में इतने आम कभी मैंने नहीं खाए, इस साल में उतने आम मैंने खाए हैं। वो बोलती थी कि मेरे घर में, अगर ये टेस्टमनी आपके लिए आशीष है, पवित्र आत्मा मुझे बता रहा, उसने बोला कि मेरे जिंदगी में मैंने चिकन ऐसा 1-1.5 किलो कभी लाया नहीं सिस्टर, लेकिन इस साल में मैं 1-1.5 किलो चिकन लाके, मटन लाके खाया, मेरे बच्चों को खिलाया, मेरे पति को खिलाया, और हम दोनों में इतना इस साल में प्यार बढ़ गया। हालेलुया। जो चीजें होती है, जो आपके जीवन में दो प्रकार के बीज है, जो उपजाऊ सुपीक जमीन में जो गिरता है वो बढ़ता जाता है, वो फैलता जाता है, लेकिन जो ऊपर पथरीली जमीन पर रहता है वो जल जाता है। कितने तो आपके टेस्टमनी आपको बोलेंगे कि बहुत दर्द, बहुत तकलीफ हमने सही है, ऐसे हर एक चर्च के मेंबर की गवाहियां मेरे जीवन में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया मेरे प्रियो, बहुत हमारा भला परमेश्वर है। और मेरे प्रियो, उसने क्या किया, जब वो कोड़ी ने सोचा इधर भी मरना है उधर भी मरना है, वो जो शत्रु है उसके ही यहाँ जाके मरेंगे, कुछ लोगों ने ऐसा अगर ठाना है तो आज की रात है, जिसने आपको लूटा है, जिसने आपको तकलीफ दी है, आज उसको लूटने की रात है मेरे प्रियो, आज उसको उसका जो कुछ है अच्छा, परमेश्वर आपको
दे देगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। जब वो कूड़ी गए उस छावनी में तो उन्होंने क्या देखा, घोड़े बंधे हुए हैं, गधे बंधे हुए हैं, सब चीजें ऐसे बिखरी पड़ी है। सब चीजों को देख के मेरे प्रियो, पहले तो उन्होंने खाया, उन्होंने सब कुछ खाया, चांदी लिया, सोना लिया, कहा जाके छुपाया, और फिर से गए, फिर से कपड़े इकट्ठे करने लगे। कोड़ी लोग, कोड़ी वहा कोड़ी को गांव में आना मना था, लेकिन फिर से मेरे प्रियो क्या हुआ, दूसरी बार गए, तीसरी बार गए, लेकिन फिर पवित्र आत्मा ने उनके दिल में डाला। हालेलुया, ओ उनके दिल में डाला। उन्होंने बोला कि ये हम इसको लूट रहे हैं, 9वें वचन में। तब वे आपस में कहने लगे, जो हम कर रहे हैं क्या ये काम क्या अच्छा काम नहीं है, ये जो हम कर रहे हैं अच्छा काम नहीं है। हालेलुया हालेलुया, कि ये काम जो है ये लूटने का काम है मेरे प्रियो, लेकिन हमें लूटते बैठना नहीं है। हम तृप्त हो गए हैं, हमने खाया पिया हमको मिला, लेकिन ये जो वक्त है खुद का ही ख्याल करने का नहीं है। यह तो आनंद का समाचार का दिन है, यह आनंद का सुसमाचार देने के लिए हमको हमारे शिमरोन में जाना पड़ेगा। वहां लोग भूख से, तकलीफ से मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, बूढ़े मर रहे हैं, और कुछ किसी के पास कुछ लगता नहीं कि आज है तो कल नहीं। लेकिन मेरे प्रियो वो लोग दौड़े, उन्होंने सब कुछ वही डाला और वो दौड़ते हुए शमरोन में आए मेरे प्रियो, जो हम पर फटने तक ठहरने। हालेलुया। तो वो लोग क्या बोले कि आज का दिन जो है आनंद का समाचार लाने का दिन है, आज रात तक हम यहाँ नहीं रुक सकते, अभी दौड़ के हमारे शमरोन में जाएंगे। और वो दौड़े और राजा को सुसमाचार सुनाया। राजा ने तो पहले बिलीव नहीं किया, लेकिन कुछ जो वॉइस मैन है सरदारों ने बोला कि हम जाके देखेंगे। जब वो देखने गए तो क्या हो गया, सब रस्ते पर ऐसे ही चीजें पड़ी है, सब उनके जो गधे हैं, घोड़े हैं, ऐसे ही पड़े हैं मेरे प्रियो। और तब ये काम हो गया कि तब उनको पता चला कि उनके परमेश्वर सेना के यहोवा ने ऐसा किया, घोड़े की, क्योंकि प्रभु ने आराम की सेना को रथों और घोड़ों की और भारी सेना की आहट सुनाई थी। हालेलुया। परमेश्वर कुछ करता है जब उसके नबी तैयार होते हैं, जब नबी पवित्र आत्मा की ओर से एक बात बोलते हैं तो परमेश्वर का हाथ शुरू होता है आपके जीवनों में। प्रभु ने एक काम किया कि घोड़ों की, रथों की आवाज शत्रु के लोगों ने सुनी और उनको लगा कि सारे लोगों को इन्होंने इकट्ठा किया है हमारे विरुद्ध लड़ाई करने के लिए। वो बोले कि ये सोना चांदी गहने सब लेने से अच्छा है कि हमारी जान बचा के हम भागे, और सब कुछ वो वहां ही छोड़ के भाग गए मेरे प्रियो। और वो सारी लूट परमेश्वर के लोगों ने उस दिन लूटी। हालेलुया। सब शमरोन दौड़ा और सारी लूट लेने के लिए वो गए मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर के दास ने जो बोला था वही सही हुआ। जो आदमी था मेरे प्रियो, पर मैं उसने नबी एलिशा ने जब बोला कि परमेश्वर के भक्त ने जैसा राजा से कहा था कि कल इसी समय शमरोन के फाटक में 2 सा जौ और 1 शकेल में और 1 सा मैदा 1 शकेल में मिलेगा, वैसा ही हुआ। लेकिन जो परमेश्वर, जो जिस व्यक्ति ने डाउट किया था, जो बोला कि परमेश्वर आकाश के झरों को भी खोले, स्वर्ग के झरों के खोले, तभी भी ये नहीं होगा। बाइबल में जैसा नबी ने कहा था वो पैरों तले, उसने देखा सब कुछ है लेकिन वो खा नहीं सका, वो मर गया। आज मैं आपको बोलती हूँ कि परमेश्वर के
विश्व नबी पर विश्वास करो। मैं एक नबी का जो आत्मा है वो लेके चलती हूँ और मैं आपको बता रही हूँ आज मैं परमेश्वर की ओर से भविष्यवाणी करती हूँ कि जो डाउट कर रहे हैं परमेश्वर को पश्चाताप कीजिए और बोलिए मुझे क्षमा करो परमेश्वर। आप अगर कहते हैं मेरे जीवन में ये बीमारी निकलेगी, ये चंगाई हो जाएगी, मुझे भलाई मिलेगी, ओ आप मुझे बढ़ाएंगे, तो मैं आज जिस बिलीव करता हूँ जैसे है वैसे और मैं परमेश्वर की ओर से आपको ये आशीष रिलीज करती हूँ। बढ़ने वाला आशीष ओ किसी और का है लेकिन प्रभु ने वही तो है। आपकी गरीबी ले ली है, आपकी बीमारी ले ली है, आपके तकलीफें ले ली है, आपको छुटकारा दे दिया है, क्योंकि Isaiah 53 में लिखा है सब कुछ उसने दे हमारा जो है उत्तर ले लिया है और उसका जो नित्यमान जीवन है जो अमीरी है आपको दे दी है मेरे प्रियो। हालेलुया हालेलुया। आज आप कितने भी गरीबी में कितने भी अकाल में फंसे हैं, कितने भी दर्द में फंसे हैं, लेकिन मैं भविष्यवाणी करती हूँ आज का दिन लास्ट का दिन है आपके लिए। आप सूरज कल का देखेंगे तो परमेश्वर पूरी तरह से आपको आशीषों से भर रहा है, बरकतों से भर रहा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। और आप कहेंगे कि मेरे घर में शांति यहोवा ही रे, मेरे घर में सब कुछ जो है वो यहोवा ही रे ने दिया है, इसलिए मैं जिंदगी भर उसके गुण गाता रहूंगा, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता रहूंगा, परमेश्वर की बढ़ाई करता रहूंगा। हालेलुया। चलिए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। आज सुसमाचार का समय है, आज आनंद के समाचार का समय आपके जीवन में आया है। आज आनंद का समाचार यही है आपके प्रॉब्लम का, आपके तकलीफ का ये लास्ट का दिन है मेरे प्रियो। आपको परमेश्वर आशीषित कर रहा है, आपको परमेश्वर बढ़ा रहा है। ओ राबा शानदार राबा बाबा बा, हर एक तकलीफ, हर एक बीमारी, हर एक यीशु मसीह के नाम से निकलो और परमेश्वर का आशीष में आप पे रिलीज करती हूँ। ओ फैमिलीज पे रिलीज करती हूँ, बेटों पर बेटियों पर मैं खुला करती हूँ परमेश्वर का आशीष। भर जाओ जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, बरसों से प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर आपको आज आशीष दे रहा है, स्वीकारिए उस आशीष को। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जो औरत थी मेरे प्रियो, ऑयल बढ़ता गया कम नहीं हुआ। अगर आप ये परमेश्वर के वचन पे लेके चलेंगे, कितना भी बड़ा बाका टैंक रहने दो, कितने भी कारपोरेशन म्युनिसिपल कारपोरेशन की जैसी बड़ी टंकी बनाई है उसमें भी भरने वाला ऑयल परमेश्वर है। और बेच डालिए, इसमें जो ऑयल बेचने का बोल रही हूँ यही जो मेरा शब्द है ये लेके गलत प्रचार मत करिए कि ऑयल बेचो, अभिषेक बेचने का नहीं। यहाँ मैं फाइनेंशियल ब्लेसिंग के बारे में बोल रही हूँ। जो परमेश्वर आपको एक कोई भी पद्धत देता है, कोई भी परमेश्वर आपको दिखाता है राह, उसमें चलेंगे तो आप बढ़ते जाएंगे। लेकिन आप खुद को बढ़ा कीजिए, आपके दिल को बड़ा कीजिए, क्योंकि हमारा स्वर्ग का राजा आया हुआ है। बाइबल में लिखा है Psalms 91, भजन संहिता 91 में लिखा है, तूने परमेश्वर से जो
प्रेम किया है, उसलिए ऊंच स्थान में परमेश्वर तुझे रखेगा। हालेलुया। जब तूने परमेश्वर से प्रेम स्नेह किया है, जो प्रभु से तू प्यार करता है, प्रभु को बोलता है कि मैं प्यार करती हूँ, जो प्रभु को तू बोलती है मैं प्यार करती हूँ, तो उसके लिए उस प्रॉब्लम से प्रभु तुझे छुड़ा रहा है। आज जो लोग पहली बार सुन रहे हैं, एक ही प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु मेरे जीवन में आइए, मैं आपको मुक्तिदाता करके स्वीकारता हूँ, तारनहार करके स्वीकारता हूँ। परमेश्वर आइए, मेरे पाप धोइए आपके लहू से, और परमेश्वर मैं आपके ओ जीवन में, आपको जीवन में मुक्तिदाता मसीहा करके स्वीकारता हूँ। प्रभु तुम्हारे दिल में आ रहा है, प्रभु तुम्हारे तो प्रॉब्लम में आ रहा है और सारी सिचुएशन चेंज कर रहा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। जब यीशु तुम्हारे साथ रहेगा, तुम सिंहों को और नाग को कुचलोगे मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है मैं उसको उच्च स्थान पर रखूंगा। हालेलुया। क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जो तू मेरी बहन प्रभु पर भरोसा करती है, तेरे फैमिली के लिए, तेरे बिजनेस के लिए, तेरे जॉब के लिए, तेरे बच्चों के लिए, तेरे फ्यूचर के लिए, वह परमेश्वर आज तुझे बोलता है कि मेरी बेटी मेरे बेटे में तुझे उच्च स्थान पे रखूंगा। हालेलुया। जब तू पुकारेगी तो परमेश्वर कहेगा कि मैं यहाँ हूँ, मैं तुझे संकट से निकालूंगा और उसको बचाकर परमेश्वर उसकी महिमा बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में जो साम्स 91:15 वचन में है, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। हालेलुया। आजकल लोग बोलते हैं खुद की महिमा नहीं, खुद को फेमस करने के लिए लोग करते हैं, लेकिन मेरे परमेश्वर के प्रिय बच्चों, प्रिय दासों, बाइबल में वचन है कि परमेश्वर आपकी महिमा बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको महिमा में लेके चलेगा, एक परमेश्वर का ग्लोरी आपके ऊपर रहेगी, आजू बाजू चारों ओर फिरेंगी, प्रभु आपके आगे आगे चलेगा, आपके काम में आगे चलेगा, बिजनेस में जाएगा, आपके फ्यूचर में आगे वो चला है मेरे प्रियो। और बाइबल में यहाँ तक की वचन है, जिसको परमेश्वर ने माँ के गर्भ में रचा भी नहीं था, वो आए भी नहीं थे, उससे पहले परमेश्वर ने उनकी जिंदगी के लिए सबसे अच्छे बेस्ट प्लान किए हैं। हालेलुया। मैं मेरे माँ के गर्भ में जब तक मैं नहीं भी थी, हड्डियां भी जुड़ी नहीं थी, एक वो मेरे प्रिया बीज भी मेरे माँ के कोख में नहीं था मेरा, तब भी मेरे लिए परमेश्वर ने सब कुछ तैयार करके रखा है। ये परमेश्वर के prophecies but as it is believe करिए। हालेलुया। आमीन। मैं बिलीव करती हूँ, और मेरे परमेश्वर ने, अगर मुझे यीशु पता भी नहीं था, मैं पूरी तरह जगत में अन्य जाति में सबसे यीशु को दुखाने वाली थी, पौलुस की जो शोल था, शोल की तरह, लेकिन मेरे प्रियो वो आया मेरा परमेश्वर, उसने मुझे ढूंढते हुए आया, उसने मुझे चुन लिया, उसने मुझे खड़ा किया। आज ये प्रोफेसी है, जो हिलने वाले हैं, जो स्थिर नहीं रहते, जिनकी जो ज्योति है, जो लास्ट की टाइम पे है, अब बुझ जाएगी ऐसा आपको लगता है, लेकिन परमेश्वर आपको बुझने नहीं देगा, परमेश्वर आपको फलाएगा, फुलाएगा, उसकी महिमा में बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हर प्रकार की महिमा वो देता है जो परमेश्वर की सेवा कर
करना चाहते हैं, परमेश्वर की महिमा पर आएगी, वो महिमा बढ़ेगी। मेरे प्रियो, मैं एक ही कहती हूँ, पूरा पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति वो आपको फेमस नहीं करेगा। मुझे भी किसी ने फेमस नहीं किया, मुझे फेमस करने वाला मेरा जिंदा खुदा है, क्योंकि परमेश्वर ही आप जैसे प्यार करने वाले लोग मुझे दिए हैं, परमेश्वर ने दिए हैं। ये परमेश्वर की महिमा में देखती हूँ, जब आप लोग जो कमेंट्स करते हैं, जो प्रभु साहब से बातें करता है कि आपके अंदर और ऊपर में परमेश्वर की महिमा देखती हूँ, और उस प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, उस जिंदा खुदा को धन्यवाद देती हूँ। ओ मेरे प्रियो, मेरे पति को मैं हरदम कहती रहती हूँ कि पास्टर जी, मैं जब भी देखती हूँ मेरे खुद को, मेरे ऊपर एक लाइट, चारों ओर एक लाइट मुझे दिखाई देता है। और कितने तो लोग हैं जो आप देख रहे हैं, आपने भी वही देखा होगा, क्योंकि आप खुद के अनॉइंटिंग को पहचानो। बड़े बड़े सेवकों, छोटे छोटे सेवकों, सेविकाओं, मेरे बच्चों, मेरे बेटियों, हालेलुया, अपने अनॉइंटिंग की रिस्पेक्ट करो। ओ परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, फुलाएगा, फलाएगा, और परमेश्वर उसके नबियों को कभी भी नीचा नहीं दिखाता, लेकिन उनके जो शब्द है वो ऐसे कैच करता है, और वैसे ही पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करता है। इसलिए आज मैं कहती हूँ, एड्स, कैंसर ठीक हो रहे हैं, टीबी निकल रहे, पूरी तरह से टीबी से चंगाई हो मिल रही है आपको, गुंगी भैरी आत्मा आपको छोड़ के चली गई है, यीशु के नाम से आप बोल रहे हैं, यीशु के नाम से आप सुन रहे हैं, यीशु के नाम से लंगड़े चल रहे हैं, आप भी अभी चल रहे हैं। और 38 साल का व्यक्ति पूरा झोले का मारा, पैरालिसिस का कितने सालों से पड़े हुए को यीशु ने एक शब्द में उठाया, वही शब्द आपकी ओर आ रहा है, वही जीवन आपको छू रहा है, आपके हड्डियों में और नस नस में ताकत आ जाएगी। परमेश्वर आपको न्यू ऑर्गन दे रहा है, न्यू ऑर्गन दे रहा है, नई नई जो जो आपके बीमार है, परमेश्वर न्यू ऑर्गन दे रहा है, किसकी के आंखों की रोशनी आ रही है यीशु मसीह के नाम से। जो मुंह में किसी के छाले पड़े हैं, जख्म जख्म हो गए हैं, आप खाना खा नहीं सकते, आप पानी पी नहीं सकते, प्रभु आपको चंगाई दे रहा है, स्वीकारिए यीशु मसीह के नाम से। किसी को दांतों में बहुत सेंसिटिविटी है, बहुत खराब हो गए हैं, लेकिन ये परमेश्वर आपने अगर बिलीव किया तो न्यू ब्रांड टीथ भी परमेश्वर देता है। कितने तो मैंने ऐसे टेस्ट मनी स्वीकार देखे हैं कि न्यू ब्रांड टीथ आते हैं, ओ फॉरेन में आ सकते हैं, हमारा परमेश्वर चट्टान और चौड़ाई जमीन का भी परमेश्वर है। अगर फॉरेन में हो सकता है तो भारत में क्यों नहीं हो सकता, भारत में भी होगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। एक छोटा है, एक बड़ा है, ओ प्रार्थना करने से दोनों भी सीधे हो जाते हैं, एक ही हाइट, एक ही उनका हो जाता है, लेंथ हो जाता है। तो यहाँ पे भी वो चमत्कार हो रहा है, जिसका कम ज्यादा पैर है उसका बरोबर लेंथ आ रही है, जिसका कम है उसका बढ़ रहा है। मेरे प्रियो, जिसका हाथ नहीं है, अगर मेरे प्रियो स्मिथ विगल्स ने, जो परमेश्वर के दास थे, उन्होंने कहा, एक व्यक्ति के घर खाना खाने को गए थे, उन्होंने कहा कल जाके शूज के शॉप में जा और तेरे लिए शूज खरीद ले। लेकिन मेरे प्रियो, जब आप देखे, उसने वो जो जिसको कहा था, वो व्यक्ति के पैर टूटा हुआ था एक, और एक पैर था। लेकिन स्मिथ विगल्स, परमेश्वर के अपोसल ने जब उसको कहा, विश्वास के प्रेरित उनको कहा जाता है, उसने कहा जाके शूज खरीद तेरे लिए, दूसरे दिन वो चला गया। मेरे प्रियो, तुझे जो अच्छा लगता है वो शूज ले ले, और बोला
तो उसने एक पैर में शूज डाला लेकिन दूसरा पैर तो नहीं था, टूटा हुआ था। लेकिन जैसे दूसरे पैर का शूज उसने वहां रखा तो ऑटोमेटिक एक झप से पैर निकल आया। मेरे प्रियो, इंस्टेंट मिरेकल करने वाला हमारा जिंदा खुदा है। आपके शरीर को चेक कीजिए, आपके बैंक अकाउंट चेक कीजिए, बैंक अकाउंट में आपके पैसे आ रहे हैं, मनी मिरेकल्स हो रहा है। आप चेक कीजिए, आपके पर्स चेक कीजिए, आपके घर के कुछ चीजें चेक कीजिए जिनको पैसे की जरूरत है। ओ मेरा परमेश्वर, मैं मनी मिरेकल्स रिलीज करती हूँ, गोल्ड मिरेकल रिलीज करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। एक टाइम में चर्च में प्रार्थना कर रही थी कि मनी मिरेकल के लिए बहुत से लोगों ने बोला कि अकाउंट में पैसा आ गया है, किसी को 500 की नोट जो किधर मिली। बहुत से टेस्ट मनी है मेरे पास, लेकिन मेरे प्रियो, मेरे खुद का मैं टेस्ट मनी देती हूँ। एक व्यक्ति ने मुझे 1,00,000, जो व्यक्ति किसी को कभी पैसे नहीं देता था, कंजूस था, वो व्यक्ति ने मेरे हस्बैंड के हाथ में 1,00,000 रुपए दे दिए। और उसने बोला कि नहीं, मेरे हस्बैंड बोले नहीं, लेकिन वो बोला कि नहीं लेके जाओ। और मेरा जो 1,00,000 का कुछ तो काम था, वो काम के लिए मनी मिरेकल्स आ गया, उसके लिए मैंने लोन नहीं लिया। मेरे प्रियो, एक बहन की मैं टेस्ट मनी देती हूँ। वो बहन ने बोला कि मैं घर के लिए प्रार्थना करती हूँ, करती थी सिस्टर, प्रार्थना करती थी, और ऐसा हो गया कि मैं बोली कि बॉम्बे में घर लेना बहुत मुश्किल था, लेकिन 2012 में ऐसा मिरेकल्स हो गया जिसको मैं जानती नहीं थी, जिसको मैं पहचानती नहीं थी। ऐसा व्यक्ति मेरे घर में अन्य जाति का आया और एक बड़ा बैग मेरे घर में आके उसने इतना बड़ा बैग ऐसा रख दिया। तो मैं बोली क्यों, तो वो बोले कि आपके लिए रखो ये। मैं उसको कभी पहचानती नहीं थी, आपका एड्रेस कैसे मिला तो क्या मुझे पता नहीं, लेकिन वो बोली कि उसने बोला बैग तो खोल के देखो क्या है उसमें। उसको लगा एटम बम वगैरह रहेगा, बस्ट हो जाएगा, वो डर गई। वो बोली नहीं नहीं, मैं किसी का लेती नहीं, वो विश्वास थी। उसने बोला अरे बहन सिस्टर खोल के देखिए। उसने बैग का चेन खोला तो वो बोली मुझे चक्कर आने लगे क्योंकि वो पूरा बैग 1,000 के नोटों से भरा हुआ था। मेरी जिंदगी में मैंने कभी इतना पैसा नहीं देखा। वो टोटल 20,00,000 थे। वो जाते उसके व्यक्ति ने बोला कि ये 20,00,000 है। उसने बोला कि प्रभु ने मेरी गवाही सुन ली। हालेलुया। इमेजिनेशन से परे मुझे दे दिया। हालेलुया। और उसने बोला कि मैंने जब भी एक घर ले लिया 15 या 16 लाख का, तब घर ले लिया या थोड़े से पैसे भर के ले लिया होगा, लेकिन मैंने 1 रुपया भी घर का कर्जा नहीं लिया। उसमें ही मैंने एक्टिवा ले ली, उसने में ही मैंने स्कूटी ले ली, क्योंकि मेरे प्रियो साधारण विश्वास करने वाले छोटे बच्चों के जैसे उस पे बिलीव करने वाले लोगों के जीवन में वो चमत्कार करता है। हालेलुया। आज आपका चमत्कार का दिन है। जो आप मिरेकल से एक्सपेक्टेशन करते हैं, आप लाइफ पार्टनर भी चाहते हैं, परमेश्वर आपके लिए बेस्ट दे देगा। हालेलुया। अगर परमेश्वर की प्रेजेंस के द्वारा प्रभु में चलती हूँ और परमेश्वर की प्रेजेंस घंटों बिता सकती है, कोई एक शब्द की कमी नहीं दे सकता, क्योंकि पौलुस ऐसा प्रचारक था, रात भर प्रीचिंग करता चला गया। एक आदमी को लगा अभी खत्म हो जाएगा, बाद में खत्म हो जाएगा, जो खिड़की पे बैठा था तीसरी मंजिल पर वो थे, वो गिर गया, वो मर गया, लेकिन मेरे पौलुस का जो प्रीचिंग था वो खत्म नहीं हो गया। नीचे उसको लेके आए, फिर पौलुस ने चालू किया, क्योंकि लोगों के अंदर इतनी प्यास थी परमेश्वर की वचन सुनने की, और वही प्यास आपके अंदर है। इसलिए तो पवित्र आत्मा आप पर उंडेल रहा है, ये नदी बह रही है, बह रही है। चार ही दिन आखिरी रहेगा,
गए हैं मेरे प्रियो, 4 दिन में 21 दिन का टाइम पूरा हो जाएगा और वो औरत के जीवन में मिरेकल्स हो सकता है। आज भी आपके जीवन में मनी मिरेकल्स हो सकता है। आपका जितना खर्चा है वो आदमी आएगा, बैंक बोलेगी सारा बंद कर दो सिस्टर, ओ आप कुछ मत भरो, जिससे आपने ब्याज से कर्जा लिया है लोग बोलेंगे कि आपका ब्याज अगर 2-3 लाख भी हो गया है मत दे दो, सिर्फ अमाउंट जितनी है उतनी दे दो। ऐसा परमेश्वर मिरेकल्स करने वाला परमेश्वर है। आप बिलीव करो और टेस्टिमनी आप भेजिए। हालेलुया। और आपके जीवन में, बहुतों के जीवन में परमेश्वर चमत्कार कर रहा है, क्योंकि मेरा यीशु आया है, राजा शहंशाह बादशाह आपके जीवन में आ रहा है और ये सुसमाचार की रात है। हर दिन भला है उसके राज्य का प्रचार करना, हर दिन भला है उसके वचनों का प्रचार करना। ओ वो औरत आशीषित है और वो मैं औरत हूँ, और हर दिन जो सुन रहे हैं, एक दिन आपके जीवन में आएगा कि आप भी प्रचार करोगे, आप भी हीलिंग्स मिरेकल्स डिलीवरेंस की सेवा में चलोगे और हजारों को प्रभु आशीषित करेगा। हालेलुया। यही सुसमाचार है। आप खाकर तृप्त हो गए हैं, आपके जीवन में चमत्कार हो गए हैं, लेकिन जो खाली है, जो भूखे हैं, उनको शेयर कीजिए। ये चुटकुले शेयर मत कीजिए, छोटे छोटे लोग जो हंसे, लेकिन मेरे प्रियो ये जीवन उनको शेयर कीजिए, वचन वे वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि उनका जीवन बच जाए और वो तृप्त हो जाए, उनके जीवन से काल निकल जाए, बीमारी निकल जाए, समस्या निकल जाए और प्रभु बहुतायत से आपको आशीषित करेगा। ब्लेस यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू।